और मोदी सरकार ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों के कत्लेआम के लिए खुली छुट्टी दे दी है। मुस्लिम कश्मीर फसादात में मरने वालों की तादाद 20 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली में मसाजिद महफूज रहीं और ना ही दरगाहें। मुसलमानों के सैकड़ों घर और दुकानें नजर आतिश कर दी गई। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में हालात काबू से बाहर होने लगे और पुलिस की मिली भगत से कर्फ्यू के बावजूद बीजेपी के दहशतगर्दों की जानिब से मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमलों में तेजी आ गई, जबकि सैकड़ों इमलाक और गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया। अशोकनगर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर धावा बोल दिया। बीजेपी और बजरंग दल के फसादियों ने इमाम बारगाह और मसाजिद को भी ना बख्शा और फसादात की आड़ में दिल्ली के इलाके अशोकनगर की मस्जिद पर धावा बोल दिया। बलवाइयों ने मस्जिद के मीनार पर चढ़कर तोड़फोड़ की, मीनार से लाउडस्पीकर नीचे फेंककर भारत का कौमी परचम और हिंदू इंतहा पसंदी की अलामत नारंगी झंडा लगा दिया। दूसरी तरफ नई दिल्ली में कर्फ्यू के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा जय भगवान गोल ने मौजपुर और बाबरपुर में मुस्लिम मुखालिफ रैली निकाली और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे। मोदी के बेकाबू यारों ने कवरेज करने वाले सहाफियों को भी नहीं बख्शा, कैमरे छीन कर इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और संगीन नतीज की धमकियां दी। माय नेम एंड देन दे सडनली रियलाइज दैट यू नो आई रिलेट टू देयर कम्युनिटी एंड देन दे स्टॉप बीटिंग मी आल्सो। दे सेड दैट यू नो यू हैव फुटेज एंड वी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर फ्रॉम हियर, यू हैव टू डिलीट और एल्स वी विल थ्रो यू फ्रॉम द फ्लाईओवर। उधर दुनिया को भारतीय नाम नेहाद जमहूरियत का सच दिखाने पर मोदी सरकार मीडिया पर चढ़ दौड़ी और एक हुक्मनामे के जरिए मीडिया को मुस्लिम कुश फसादात दिखाने से रोक दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत फैलाने, हसास और इश्ताल अंगेज मवाद शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हालात की कशीदगी के पेश नजर फौज तलब कर ली और इस हवाले से वजारत दाखिला को मुरासला अरसाल किया, जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली के हालात पुलिस के काबू से बाहर हो चुके हैं। उधर भारत की अपोजिशन जमातों ने नई दिल्ली में इंतहा पसंदों के हमले को मोदी हुकूमत की बदतरीन नाकामी करार दिया।